हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी सीरीज़ कंप्लीट नेमराज सुंडा थ्रू लाइनर क्वेश्चन का पार्ट नंबर ट्वेल्व इससे पहले ग्यारह पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखिए तो जैसे इस वीडियो में हम ये ये सीरीज़ में हम पूरी बुक जो हमारी बुक है कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराय सुंडा तो उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं थ्रू वन लाइनर क्वेश्चन ओके और हर वीडियो में हम फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो एक बहुत ही एक वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेंगे और आपका ऑलमोस्ट सारी की सारी बुक जो है कंप्लीट कवर हो जाएगी ओके okay? तो आज बारहवा पार्ट है इसका चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा पाँच सौ इक्यावनवा क्वेश्चन है साढ़े पाँच सौ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन देखते हैं जिप्सम ब्लॉक मेजर्स सॉयल मॉइस्चर टेंशन तो जिप्सम ब्लॉक जो मेथड है वो सॉइल कितना uh, uh, सोयल मॉइस्चर टेंशन मेजर करता है दी आंसर इज बिटवीन जीरो से पंद्रह बार ओके okay? जीरो से पंद्रह बार तक मेज़र करता है जिप्सम ब्लॉक मे uh, मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर यूज विच प्रिंसिपल टू मेजर सॉयल मॉइस्चर तो जो न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है द आंसर इज मेजरमेंट ऑफ एच पॉजिटिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉयल तो एक यूनिट वॉल्यूम सॉयल में कितने एच पॉजिटिव आयन है उसके बेसिस पे ये काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेथड इज़ यूज फॉर लेबोरेटरी मेजरमेंट ऑफ सॉयल मॉइस्चर पोटेंशियल तो so, लेबोर्ट्री में अगर हमें सॉयल मॉइस्चर टेंशन मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है द आंसर इज प्रेशर मेंबर एंड प्रेशर प्लेट ऑपरेटर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेशर मेंबर एंड प्रेशर प्लेट ऑपरेटर्स इज सूटेबल फॉर मेजरिंग सोयल मॉइस्चर टेंशन एट तो किस uh, कितने सॉइल मॉइस्चर टेंशन तक ये मेजर कर सकता है दी आंसर इज जीरो से पंद्रह बार तक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर्व शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन दी एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर दैट इज टेंशन एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन दॉयल इज कॉल्ड तो अगर जो एक कर्व है जो आ, जो टेंशन और अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर उसका जो रिलेशनशिप शो करती है तो उस आ, कर्व को क्या बोलेंगे हम दैट इज कॉल्ड सोयल मॉइस्चर करेक्टरिस्टिक कर्व ओके सोयल मॉइस्चर करेक्टरिस्टिक कर्व नेक्स्ट क्वेश्चन सॉइल मॉइस्चर प्रैक्टिसिक कर फॉर सैंडिस ऑयल इज तो सैंडिस के लिए ये, ये क्या शेप होगी इसकी दल शेप्ड ओके एल शेप्ड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द शेप ऑफ सॉइल मॉइस्चर प्रैक्टिसिक कर फॉर क्लेस ऑयल तो क्लेस ऑयल के लिए क्या शेप होगी दैट इज आई शेप्ड और स्ट्रेट लाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज ई टी ई टी क्या है द आंसर इज एवेपो ट्रांसप्रिएशन तो ई टी की फुल फॉर्म है एवेपो ट्रांसपीरिएशन इट इज़ दी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रॉप एंड एवेपोरेशन फ्रॉम दी सॉयल सर्फेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया तो एक एरिया है उसमें से कितना पानी लॉस्ट हो रहा है तो दो फॉर्म में वो लॉस्ट होगा एक तो एवेपोरेशन होगी जो कि होगी हमारे सॉयल सर्फेस से और दूसरा उसका जो लॉस होगा वो एज ए ट्रांसपिरीशन होगा जो कि हमारे जो वो वहाँ पर वेजिटेशन होगी उसमें से ट्रांसपीरेशन होगी तो दोनों को हम जब मिलाएंगे दोनों का कलेक्टिवली uh, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी एवेपो ट्रांसपीरेशन होगी नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ पी ई टी पोटेंशियल अवेपो ट्रांसपरेशन द आंसर इज पी ई टी इज़ द अपर लिमिट ऑफ एवेपो ट्रांसपरेशन फॉर ए क्रॉप इन ए गिवन क्लाइमेट तो पोटेंशियल क्या होता है कि okay? मैक्सिमम जितना हो सकता है तो मैक्सिमम जो uh, वेपर ट्रांसप्रेशन जितनी किसी एरिया से हो सकती है तो वो हमारी पी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन पी ई टी कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था आंसर इज थॉन्थवेट ओके थॉन्थवेट ने दिया था नाइनटीन फोर्टी एट में नेक्स्ट क्वेश्चन संकन स्क्रीन तो संकन स्क्रीन अवेपोरीमीटर किसने बनाया है दी आंसर इज शर्मा एंड दास्तैन इन नाइनटीन सिक्सटी एट उन्नीस सौ अड़सठ में शर्मा एंड दास्तैन ने नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच पर्पज संकन स्क्रीन एवेपोरीमीटर इज यूज तो किस परपज़ के लिए यूज होता है ये दी आंसर इज इट इज़ यूज टू मेजर एवेपोरेशन इन द फील्ड कंडीशन तो फील्ड कंडीशन में को मेजर करने के लिए संकन स्क्रीन अवेपोरीमीटर यूज होता है इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ पी टी ओवर ई टी रेश वेरिड फ्रॉम पॉइंट नाइन फाइव टू वन पॉइंट जीरो फाइव तो ये पी ई टी ओवर ई टी रेशो हमें बताता है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ फार्मूला फॉर कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर का फार्मूला क्या है द आंसर इज कन्जम्प्टिव यूज़ इज इक्वल टू वेपो ट्रांसपीरेशन प्लस वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ओके तो पूरा इसमें डिटेल आ जाएगी तो कितना वाटर यूज़ हुआ है वेपो ट्रांसपरेशन में कितना गया है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए कितना यूज़ किया है प्लांट्स ने तो उसको जब प्लस करेंगे हम तो उसको हम कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज डब्ल्यू यू ई मीन्स तो डब्ल्यू यू ई मी क्या है दंसर इज वाटर यूज़ एफिशिएंसी तो डब्ल्यू यू ई है वाटर यूज एफिशिएंसी तो ये होती है द ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड तो और इट इज़ द यील्ड ऑफ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज इन वेपो ट्रांसपिटेशन तो कितना वाटर यूज़ करके कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस किया गया है वो हमें वाटर यूज़ एफिशिएंसी बताता है उस क्रॉप की नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी दी आंसर इज इट इज़ द रेशियो ऑफ क्रॉप यूनिट टू द अमाउंट ऑफ वाटर डपलीटेड बाई द क्रॉप इन द प्रोसेस ऑफ अवेपो ट्रांसपोर्टेशन तो क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है कि कितना वाटर यूज़ करके क्रॉप की कि कितनी यील्ड इंक्रीज हुई है ओके okay? कितनी यील्ड हुई है कितना पानी डिप्लीट करके तो वो हमारी क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट फॉर डब्ल्यू वाटर यूज एफिशिएंसी की यूनिट क्या है द आंसर इज के जी पर हेक्टेयर एम एम ओके के जी पर हेक्टेयर एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्रॉप हैज़ दी मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी? कौन सी क्रॉप है जिसकी वाटर यूज एफिशिएंसी मैक्सिमम है द आंसर इज फिंगर मिलेट ओके फिंगर मिलेट दी इसकी हमें वैल्यू भी याद रखनी है थर्टीन पॉइंट फोर के जी पर हेक्टेयर एम एम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यू यू ई वाटर यूज एफिशियंसी ऑफ वीट इज तो वीट की कितनी है दी आंसर इज ट्वेल्व पॉइंट सिक्स के जी पर हेक्टेयर एम एम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्रॉप हैज दिनिम वाटर यूज एफिशियंसी पहले हमने देखा मैक्मम और मिनिमम किसकी है दी आंसर इज राइस तो राइस में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है तो इसकी वाटर यूज एफिशियंसी सबसे कम है दैट इज थ्री पॉइंट सेवन के जी पर हैक्टेयर एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर यूज एफिशियंसी ऑफ ग्राउंड नट ग्राउंड नट की कितनी है दी आंसर इज नाइन पॉइंट टू के जी पर हेक्टेयर एम एम तो नाइन पॉइंट टू है ग्राउंड नट की नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म क्योरिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप क्योरिंग जो है टर्म है वो किस क्रॉप में होती है द आंसर इज टबैको टी एंड अनियन तो ये तीनों क्रॉप्स में क्योरिंग की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म स्ट्रिपिंग इज़ रिलेटेड टू स्ट्रिपिंग कौन सी क्रॉप में होती है द आंसर इज जूट तो जूट में जब फाइबर उसके निकाले जाते हैं उसमें स्ट्रिपिंग की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच क्रॉप निपिंग इज डन निपिंग कौन सी क्रॉप में होती है दी आंसर इज ग्रैम एंड कॉटन कॉटन और ग्रैम में निपिंग की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म्स रैपिंग एंड ट्रैशिंग आर रिलेटेड टू विच क्रॉप तो रैपिंग एंड ट्रैशिंग किस में की जाती है दी आंसर इज शुगर केन ओके शुगर केन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑयल कंटेंट इन कोकोनट इज तो कोकोनट क्रॉप में कितना ऑयल कंटेंट होता है आंसर इज सिक्स परसेंट सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है कोकोनट में दैट इज मेंसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन कंटेंट ऑफ राइस इज तो राइस का प्रोटीन कंटेंट क्या है दी आंसर इज सिक्स तो जो सीरियल्स हैं उसमें कम होता है प्रोटीन तो सिक्स टू सेवन परसेंट होता है राइस में नेक्स्ट क्वेश्चन ऑयल कंटेंट इन ग्राउंड नट इज तो ग्राउंड नट में ऑयल कंटेंट कितना है दैट इज फोर्टी फाइव परसेंट ओके फोर्टी फाइव परसेंट ऑयल है ग्राउंड नट में नेक्स्ट क्वेश्चन ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन इज सोयाबीन में ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट कितना है ट्वेंटी परसेंट ऑयल एंड फोर्टी टू परसेंट प्रोटीन ओके दोनों को याद रखना है कंफ्यूज नहीं होना है तो इसलिए मैंने एक साथ यहाँ क्वेश्चन बनाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो ऑयल कंटेंट है बीस परसेंट और प्रोटीन कंटेंट है बयालीस परसेंट इन सोयाबीन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन कंटेंट इन वीट इज वीट में कितना प्रोटीन है दैट इज इलेवन टू ट्वेल्व परसेंट और वीट का प्रोटीन कौन सा है दैट इज ग्लूटन ओके राइस में सिक्स टू सेवन परसेंट है वीट में थोड़ा ज़्यादा है ग्यारह से बारह परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज दी ऑयल कंटेंट इन सीशम सीशम में कितने परसेंट ऑयल होता है ये आंसर इज फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी टू परसेंट ओके चालीस से लेके बावन परसेंट तक हो सकता है ऑयल इन सीशम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन कंटेंट इन मूंग एंड लेंटिल तो मूंग एंड लेंटिल ये पल्स हैं तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए तो so, इसका आंसर है ट्वेंटी फाइव परसेंट ईच तो दोनों में पच्चीस पच्चीस परसेंट प्रोटीन कंटेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन कंटेंट इन ग्राउंड नट ग्राउंड नट में कितना है दी आंसर इज ट्वेंटी सिक्स परसेंट छब्बीस परसेंट है ग्राउंड नट में प्रोटीन और ऑयल कितना किया था हमने फोर्टी फाइव परसेंट ग्राउंड नट में नेक्स्ट क्वेश्चन काउपी इज ऑल्सो नोन एज तो काउपी को और किस नाम से जाना जाता है दी आंसर इज वेजिटेबल मीट ओके वेजिटेबल मीट बोला जाता है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन कंटेंट इन काउपी काउपी में कितना प्रोटीन होता है ट इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर परसेंट तेईस पॉइंट चार परसेंट होता है प्रोटीन इन काउपी नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज दोटी इन ग्रैम तो ग्रैम की फसल में कितने परसेंट प्रोटीन होता है द्वेंटी वन पॉइंट वन परसेंट ओके इक्कीस पॉइंट एक परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सीरियल्स बिलोंग टू विच फैमिली तो सीरियल्स जो हमारे क्रॉप्स हैं जैसे राइट, राइस और वीट है तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं दी आंसर इज ग्रामनी और पोएसी तो दोनों नाम याद रखने हैं ज़्यादातर अभी पोएसी नाम चल रहा है ओके पहले ग्रामिनी था तो दोनों हमें याद रखना है तो सीरियल्स ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोलानीसी फैमिली इंक्लूड सोलानीसी फैमिली में कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं दी आंसर इज पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल चिल्ली टोबैको तो ये भी हमें याद रखने होंगे क्योंकि पटैटो टमाटो तो आप, आपको नॉर्मली याद रहेगा ब्रिंजल चिली और टबैको आपको याद रखना पड़ेगा ये भी बिलोंग करते हैं सोलानसी फैमिली को नेक्स्ट क्वेश्चन जिंजर एंड टर्मेरिक बिलोंग्स टू विच फैमिली जिंजर और ट्रमेरिक ये दो ही क्रॉप्स हैं इनकी कौन सी क्रॉप कौन सी फैमिली है दी आंसर इज जिंजीब रेसी ओके तो याद रखना भी ईजी है जिंजर है तो जिंजीब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन कंटेंट इन बार्ले इज तो बारले जो है उसमें कितने परसेंट प्रोटीन होता है दी आंसर इज इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट ओके एलेवन पॉइंट फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रासिकेसी फैमिली ऑल्सो नोन है तो ब्रासिकेसी फैमिली जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है द आंसर इज क्रूसी फ्री तो पुराना नाम था ब्रासिकेसी अभी नया नाम जो चल रहा है अभी वो है क्रूसी फ्री फैमिली नेक्स्ट क्वेश्चन स्वीट पोटैटो बिलोंग्स टू विच फैमिली स्वीट पोटैटो की कौन सी फैमिली है द आंसर इज कन ओके कन फैमिली नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिटिव फैमिली इंक्लूड्स तो जो कंपोजिटिव फैमिली है उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं द आंसर इज सनफ्लावर सैफ्लावर एंड नाइजर ओके तो ये तीन क्रॉप्स हैं कंपोजिटिव फैमिली में नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिटिव फैमिली आल्सो नोन है तो कंपोजिटिव फैमिली जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है

नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन कंटेंट इन अरहर इज तो अरहर में कितने परसेंट प्रोटीन होता है दी आंसर इज ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट इक्कीस से पच्चीस परसेंट अरहर में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कॉटन एंड भिंडी बिलोंग्स टू विच फैमिली कॉटन और भिंडी कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं दी आंसर इज मालवेसी फैमिली ओके okay? मालवेसी फैमिली नेक्स्ट क्वेश्चन लेग्युमिनेसी फैमिली इज ऑल्सो नोन तो लेग्युमिनेसी फैमिली जो हमारी है उसको और किस नाम से जाना जाता है द आंसर इज पेपीलियोनीसी ओके पैपिलियोनेसी फैमिली नेक्स्ट क्वेश्चन चीनोपोडियसी फैमिली इंक्लूड्स तो चीनोपोडियसी फैमिली में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं स्पिनिच बीट रूट एंड शुगर बीट ओके स्पिनिच बीट एंड शुगर बीट और ये आज आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है छः सौवा क्वेश्चन है नंबरिंग गलत हो गई है यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट इन मेज़ इज तो मक्की में मक्के की फसल में कितने परसेंट प्रोटीन होता है दी आंसर इज टेन परसेंट ओके दस परसेंट प्रोटीन पाया जाता है इन मेज़ ये थे हमारे आज के फिफ्टी क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर ट्वेल्व आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिए और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी के वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं और हमें आप फॉलो कर सकते हैं लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर थर्टीन के साथ तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू